आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा इन एजेंसियों का इस्तेमाल डराने के लिए करती है और वे ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरेंगे नहीं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा कि पार्टी केजरीवाल के शासन मॉडल से डरती है, यही वजह है कि आप नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। आतिशी ने कहा कि ये स्पष्ट है कि भाजपा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के शासन मॉडल से डरी हुई है, यही कारण है कि हमारी पार्टी के नेताओं को एक एक करके जेल भेजा जा रहा है। भाजपा इन एजेंसियों का इस्तेमाल हमें डराने के लिए करती है। अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भाजपा में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ सभी मामले बंद कर दिए जाएंगे, जैसे अजीत पवार और छगन भुजबल के मामले थे। मैं भाजपा को बताना चाहती हूं कि हम ईडी और सीबीआई की धमकियों से नहीं डरेंगे। ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। दिल्ली के सीएम को पहली बार केंद्रीय एजेंसी ने 2 नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाते हुए गवाही नहीं दी कि नोटिस अस्पष्ट और प्रेरित था। केजरीवाल ने ईडी के सहायक निदेशक जोगेंद्र को लिखे पत्र में कहा था, इस संबंध में ये स्पष्ट नहीं है कि मुझे किस क्षमता में बुलाया जा रहा है, यानी उपरोक्त मामले में एक गवाह या संदिग्ध के रूप में। कृपया उक्त संबंध को वापस ले जो स्पष्ट और प्रेरित है। आज होने वाली इंडिया ब्लॉक बैठक के बारे में पूछे जाने पर आतिशी ने कहा कि बैठक में सीटों के बंटवारे और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, आज की बैठक में सीट बंटवारे और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। आप और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।